सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके लिए देखिए ये पैरेट लेकर आए हैं, जो देख कितना सुंदर लग रहा है देखिएगा, और बनाने में भी एकदम ईजी है। देखिए आप इसको बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहती हैं आप उस तरीके से इसको बना सकती हैं। और मैंने यहाँ पे दो पैरेट बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, देखिएगा इस तरह से मैंने पूरी जोड़ी बनाई हुई है, और ये जब दीवार पे टंगते थे बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, और इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का बूल चाहिए और रेड कलर का भी चाहिए, और इसमें बनाने के लिए हम 9 नंबर की सिलाई का यूज़ करेंगे। तो हम बनाना इसको शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैरेट की जोड़ी बनाने के लिए हमें यहाँ पे 150 ग्राम बूल की ज़रूरत पड़ेगी, और जो रेड कलर का बूल है उसे हम टोटल 10 ग्राम ही लेंगे। और इसको किस तरीके से हम बनाना शुरू करेंगे, तो पैरेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 11 फंदे लिए हुए हैं, और एक सिलाई हम यहाँ से उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये बुरी सिलाई को हम इसी तरीके से उल्टा बना लेते हैं। 11 फंदे हमें यहाँ से बनाना शुरू करेंगे हम यहाँ से नीचे का हिस्सा। तो सबसे पहले हम पूंछ बनाएंगे, यहाँ से हम इसकी पूंछ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए पूंछ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से पहला फंदा तो हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे, और दूसरा फंदा जब बनाएंगे तो देखिए अपने पैर के अंगूठे से इस तरीके से जितनी भी बड़ी आपको पूंछ रखनी है ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार हमने अंटे लगाए, और ये देखिए ये हमने अपना धागा निकाल दिया। आप दूसरी साइड से भी देखिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, देखिए दूसरे फंदे में भी हमने ये 5 फंदे बना लिए, और ये तीसरे फंदे में भी हमको इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही हम पूरे हमारे जो फंदे हैं उनमें हम इस तरीके से अंटा लगाकर हम ये बना लेंगे इसकी पूंछ। 9 फंदों में हमने इस तरीके से यहाँ पे अंटा लगाकर ये बनाया हुआ है, और ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, और एक सिलाई यहाँ से हम पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। 11 फंदे हैं हमारे पास, 11 ही रहेंगे ऐसे, और ये जितने भी फंदे उनमें से हम एक ही फंदा बनाएंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे। ये हमने 5-5 फंदों की लड़ी बनाई हुई है, तो हम यहाँ से आप 5 भी कर सकती हैं, 3 भी, जितनी मोटी आपको ये पूंछ बनानी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फंदे रखेंगे। तो ऐसे ही हम बना लेते हैं इसको। आप देखिए यहाँ से हम तोते की डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हमने उल्टा बना लिया, दूसरे फंदे पे हमने इस तरीके से धागा बढ़ाया, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, और देखिए तीसरे फंदे से हमने यहाँ छल्ले बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और इसको हमें निकाल देना है। फिर से इस पे भी हम इसी तरीके का छल्ला बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और देखिए इसको हमने इस तरीके से निकाल दिया। ऐसे हम ये सारे फंदों में छल्ले बना लेंगे, लास्ट वाला फंदा अकेले ही बनाएंगे हम, इसमें छल्ले नहीं बनाने हैं। तो देखिए हमने सारे फंदों में छल्ले बना लिए हैं। अभी हमने एक फंदा उधर की साइड से बढ़ाया था, अब हम एक फंदा इधर की साइड से बढ़ाएंगे। तो देखिएगा आप शुरू वाला फंदा भी बढ़ा सकते हैं, तो एक फंदे से हमें 2 फंदे करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 फंदे से 2 फंदे कर लिए हैं। अभी यहाँ से देखिएगा जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं तो इनको हम उल्टा बनाएंगे, और ये देखिए ये 5 फंदों का हमने 1 फंदा करना है ऐसे, और दोनों साइड से हमें एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। यहाँ से भी हमने ये फंदे बढ़ाए थे तो इनको हम ऐसे ही बना लेंगे।
देखिएगा ऐसे ही हम दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाएंगे। एक बार और देखिएगा, इधर से भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक हमने देखिए, आप शुरू वाला फंदा भी बढ़ा सकते हैं और एक फंदा बनाकर भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से फिर से देखिए, हमें छल्ले डालने हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5। आप देखिए यहाँ इस वाले पे भी डालेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही हमें ये छल्ले डालते हुए यहाँ पे 11 लाइनें बनाकर कंप्लीट करनी है और फंदे दोनों साइड से हमारे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए एक लाइन बन चुकी है, ये दूसरी है, ऐसे हम यहाँ पे 11 लाइनें बनाएंगे कि मैंने इस पैरेट में बनाई हुई हैं। देखिए यहाँ से लेकर इसी तरीके से हमें यहाँ तक 11 लाइनें बनाकर कम्प्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 11 लाइनें बनाकर कंप्लीट कर ली हैं दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते हुए। तो देखिए जब हम फंदे बढ़ाएंगे तभी हमारा हिस्सा इस तरह से चौड़ा होगा, और नीचे का हमने 11 फंदे डाले थे तो देखिए इस तरीके से ये हमारा आया हुआ है। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 11वें नंबर की जो हमारी रो कम्प्लीट हो जाएगी तब हम क्या करना है, अभी हम उल्टी साइड से हमें फंदे कम कर रहे थे। आप देखिएगा सीधे साइड से पहला फंदा यहाँ पर सिंपल है, तो हम इसको एक ही फंदा है तो हम इसको एक फंदा बना लेंगे। देखिए अब हमें सीधा बनाना है, और ये देखिए 5 फंदे हैं हमारे पास, तो इनको हम ऐसे निकालेंगे, सीधी साइड से हमें निकालना है, अभी उल्टी साइड से नहीं निकालना है। देखिए सीधी सिलाई से हमें ये फंदे कम करने हैं लास्ट वाली सिलाई में। जब हमारे 11 रो बन के कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद की ये सिलाई है, तो इसको हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे। देखिए सारे फंदों को हमें लेना है, कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए ऐसे करके। तो ये इस तरीके से हम ये सिलाई पूरी निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधी सिलाई बना ली है। टोटल अभी हमारे पास यहाँ पे 30 फंदे हैं, 30 फंदे हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर, एक एक फंदा हमने इधर से उधर से बढ़ाया था। तो और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिलाई और उल्टी बना लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम पूरा बना लेंगे ऐसे ही उल्टा बनाते हुए। ये फ्रेंड्स अभी हम ये वाला हिस्सा बना रहे हैं ऊपर वाला, क्योंकि हमने यहाँ तक पूरा हमारा बन चुका है। 11 लाइन बनने के बाद हमने ये वाली लाइन सीधी घटाई हुई थी, देखिए ये 5-5 फंदों की वो हो चुकी है। फिर देखिए यहाँ पे एक अंगुल, देखिए यहाँ पे एक या डेढ़ अंगुल हमें यहाँ पे उल्टी सीधी दोनों लाइनें बनानी है यहाँ पे। देखिए उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी, जो सिंपल सिलाई होती है वो हमें बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम इतना बना लेते हैं, यानी कि हमें एक ये रॉन्ग साइड से गांठ स्टिच और राइट साइड से चैन स्टिच दोनों बना के कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, जिससे कि हमारी 10 रो बनी हुई हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम अपना रेड कलर लगाएंगे और रेड कलर की 2 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमें लगाना है कलर, तो यहाँ से हम अपना रेड कलर लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, एक राइट की और एक रॉन्ग की, 2 सिलाइयाँ हमें बनानी है। देखिएगा मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाई है, तो आप भी यहाँ नोट लगाएं, नहीं तो इस तरीके से इसमें साथ में लेते चले, नहीं तो यहाँ से ये खुल जाएगा। तो हम ये 2 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें बनाई हुई 2 सिलाइयाँ रेड की, फिर 2 सिलाइयाँ ग्रीन की, फिर 2 सिलाइयाँ रेड की, इसी तरीके से हम ये सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना ली हैं, अब हम क्या करेंगे, जिसकी हमने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ बनाई हुई थी, वैसे हम ऊपर की साइड भी 20 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करेंगे ग्रीन कलर से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी हमने 20 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली, यानी कि 10 रो। आप देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 10 फंदे घटाना है। देखिए 30 फंदे हमारे पास टोटल यहाँ पर हैं, 30 फंदे हैं, तो यहाँ पर हम 10 फंदे कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ से देखिए 6 7 8 और ये 9 और ये 10। तो देखिए हमने यहाँ से 10 फंदे कम कर दिए हैं और 10 फंदे हम ये बना लेंगे। अब ये 20 फंदे हमारे पास, ये 20 फंदे हम पूरे बना लेंगे। ये 10 फंदे हमने यहाँ से कम किए हैं और 10 फंदे अब हम यहाँ से कम कर देंगे,
यानी कि दोनों साइड से हमें 10-10 फंदे कम कर देने हैं और हमारे पास बीच में 10 फंदे ही बचेंगे। तो देखिए 10 फंदे हम यहाँ से भी इसी तरीके से कम कर लेते हैं जैसे कि उधर से कम किए हुए थे। दो फंदे मैंने कम कर लिए हैं, देखिए हमने ये 10 फंदे कम कर लिए हैं। अब हमारे पास ये 10 फंदे बचे हुए हैं तो हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे और इसकी भी हमें एक अंगुल बनाकर कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि 20 सिलाइयाँ इसकी भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। 20 सिलाइयाँ यानी कि 10 रो इसकी हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इधर से भी 10 फंदे कट गए और इधर से भी 10 फंदे कट गए, बीच में 10 फंदे बचे हुए हैं तो इसकी भी हम 20 लाइन बना लेते हैं। यानी कि देखिए फिंगर के हिसाब से यहाँ पे डेढ़, यहाँ पे देखिए दो उंगली है, इसी तरीके से ऊपर भी हम दो उंगली बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी भी हमने सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। हमें इतनी सिलाइयाँ बनानी हैं कि देखिए इस तरीके से हम यहाँ से जब फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा दोनों बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे, इसके चोंच वाला हिस्सा है जो हम चोंच बना रहे हैं, इसकी आगे की वो वाला हिस्सा है, तो यहाँ से हम अपना रेड कलर लगाएंगे। रॉन्ग साइड से ही हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम पूरा इसको बना लेते हैं और एक सिलाई राइट साइड से, दोनों साइड एक से एक एक साइड से सीधी और एक साइड से उल्टी, इस तरह की हम यहाँ पे सिलाई बनाएंगे कंप्लीट करेंगे। देखिए इधर से हम सीधी बनाएंगे और उधर से उल्टी, तो इसको हम बना लेते हैं। अब देखिएगा ये दो सिलाइयाँ बन गई हैं। अब यहाँ से दो फंदे का हमने एक फंदा किया, यानी कि हमें ये चोंच बनाते हुए घटाते भी जाना है इधर उधर से फंदे। और एक फंदा हम इधर से कम करेंगे, देखिए एक फंदा हमने यहाँ से कम कर देना है। सिलाई हम सीधी बना रहे थे तो सीधी ही बनाएंगे। और ऐसे ही हम घटाते घटाते दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में एक फंदा बचेगा तो ये इसकी चोंच बनके कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लास्ट में हमारे पास ये दो फंदे बचे हैं, इनको भी हम घटा देंगे ऐसे। अब यहाँ से हम इसके नॉट लगाएंगे, धागा इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि इसी से हम इसकी चोंच की सिलाई भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से नॉट लगा दी है, तो देखिए यहाँ से हमारी ये चोंच बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये वाला हिस्सा सिलाई करेंगे, देखिएगा इस तरीके से ये ग्रीन तक ही हमें इसको सिलाई करना है दोनों साइड से, यहाँ से और ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे रॉन्ग साइड की तरफ हम इसको सिलाई करेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा हम ऐसे सिलाई कर लेंगे यहाँ से, इधर का हिस्सा हमने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इधर का भी हिस्सा हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे, यहाँ से ग्रीन तक ही हमें सिलाई करना है, रेड तक नहीं करना है, यहाँ तक हम इसको भी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हिस्सा सिल चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी आंखें बनाएंगे। अगर आपके पास यहाँ मोती है रेड कलर के तो आप वो भी लगा सकती हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पर बोल से ही, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गैप है तो यहीं से हम इसकी आई बनाएंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से हम इसको पूरा फिल कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आई का शेप देंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसके दोनों साइड की आई बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। ये चोंच वाला हिस्सा है हम रेड कलर से सिलेंगे और बाकी हिस्सा यहाँ से हम ग्रीन कलर से सिलेंगे, और हमको यहाँ तक सिलाई करनी है जो ये वाली लास्ट की लाइन थी, यहाँ तक इसको हम सिल लेंगे। यहाँ तक हम इसको सिल के कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो देखिए हमने सिल लिया है, अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा पैरेट बन चुका है, और इसमें अंदर यहाँ पे कॉटन या कोई आपके पास कपड़ा हो इसके अंदर डालेंगे इसके गर्दन में भरने के लिए। ये मेरे पास यहाँ पे एक पुराना हैंकी है, मैं इसको यहाँ पे इसको इसी से फिल करूँगी।
इसका मुंह बनके कंप्लीट हो चुका है। या आपके पास गोल बॉल हो तो आप इसमें उसको भी डाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पुराना हैंकी था मेरे पास, हैंकी हो या आपके पास एक कॉटन हो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ये पैरेट बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट हो जाता है। 150 ग्राम ऊन में ये दो पैरेट बनके कंप्लीट हो जाते हैं। सो फ्रेंड अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए डिज़ाइन के साथ, जब तक लिए बाय बाय।